हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हमारे वीडियो में मैं बनाऊंगा क्ले की मदद से। क्या बनाऊंगा आपको बताना पड़ेगा, कुछ नहीं चलो बता देता हूँ। मैं बनाऊंगा स्टॉर्म ब्रेकर। मैंने पहले से ही शुरू कर दिया है, तो मैं पहले तो उसका आगे का हिस्सा बनाऊंगा, मेन वाला कर्व वाला रहता है ना एक्स की तरह, तो उसको तो पीटना पड़ेगा अभी पहले तो पतला करने के लिए। बहुत मार खा रहा है इसके मेरे हाथ से, तो अब मैं इसको ऐसे कर्व में कट करूंगा कुछ ऐसे। ये देखिएगा, अब मैं इसको स्लैंट में यहाँ से कट करूंगा। आपको मालूम होगा कि वो बाद में यहाँ से स्लैंट हो जाता है कुछ ऐसी। ये ज़्यादा स्लैंट हुआ और ये कम ऐसा लग रहा है ना, तो मैं इसको ज़रा बदल देता हूँ। ओके, अब इसको पहले उठा लूँ, क्लीन करूँगी क्लीन। अब मैं इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको थोड़ा कम कर दूँगा क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ज़्यादा ही। तो फिर ओके, मेरे को भी इसको शेप देना पड़ेगा। अच्छे से शेप देंगे अब इसको कुछ ऐसी। ये देखो अभी अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये ज़्यादा भी एक्स की तरह दिख रहा है। अभी इसका पीछे का हिस्सा आने के बाद ये और अच्छा दिखेगा। इसको साइड में रख देते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग रोल करेंगे इस वाली हिस्से को, और ऐसे ही इसको स्प्रेड करके ऐसे कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। ओ निकल, इन दोनों हिस्सों से इसको कट कर लूँगा। अब इसको यहाँ से बड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से छोटा टाइप है वो। ओके, तो अब मैंने इसको ऐसे स्लैंट में कट कर लिया है, शेप कर लिया है रोल। तो अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि वो ओ माय गॉड सच में मुझे मतलब और बड़ा बनाना पड़ेगा। अरे यार, क्योंकि ये देखो स्टॉर्म ब्रेकर, ये ऐसा लग रहा है कि वो शवल रहते ना मानो, जैसे कि ये देखो आपको अभी दिखेगी शवल इसके अंदर की। इसके लिए मुझे अभी इसको भी मोटा करना पड़ेगा और बड़ा बनाना पड़ेगा। और कितना बड़ा बनाऊँ तुझे, इसको इसको ही छोटा कर देता हूँ ना, वरना यहाँ से कुछ ऐसी। ये देखो भाई साहब, हो गया। अब मैं इससे इसको कन्वर्ट कर दूँ क्या लंबे में? नहीं यार, नहीं अच्छा नहीं लगेगा यार, बहुत ही गंदा दिखेगा। तो अब मैं इसका जो मेन वो पीछे वाला हिस्सा रहता है ना, मेन बोल रहा हूँ, ये मेन है भाई, पीछे वाला इतना भी मेन नहीं है पर मेन है, उसके बिना ये कुल्हाड़ी लगेगी, स्टॉर्म ब्रेकर कम कुल्हाड़ी ज़्यादा। पर मैंने सोचा है, मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब आपको एक चीज़ बतानी थी। या राइट, अब मुझे याद आ गई, इसके लिए अच्छा है कि मैं आज से रखूँगा एक शाउट आउट। जी हाँ, शाउट आउट। मैं मतलब हर एक वीडियो के एंड में या फिर बीच में कभी भी एक क्वेश्चन पूछूँगा, आपको याद भी रखना है क्वेश्चन कहाँ क्या है भाई, और बाद में क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप, और अगर आपने सही जवाब बताया तो अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा शाउट आउट। तो ये पहला शाउट, मतलब ये पहली बार है तो शाउट आउट तो नहीं होएगा। मैं पहले शेप दे देता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत दिमाग खा रहा है अभी, क्योंकि ये इतना बड़ा, ये इतना सा बन रहा है इसकी वजह से। तो फाइनली गाइस ये हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से स्लाइट कट करूँगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो ये जो है ये ऐसे देखो, ये जो स्टॉर्म ब्रेकर को भी ऐसा ही है। तो अब मैं यहाँ पे
इन दोनों को इसको लगाने के बाद अब मैं इसको ओके साइड में रख दूंगा मैं। तो अब मैं उसकी जो मेन रूट है ना, ये एक बनाता है ग्रूम, ग्रूम का हाथ करके जो बनाता है ना, वो हाथ बाद में तोड़ देता है, वो वाला बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई मैं ऐसी लंबी सी रस्सियाँ बना लूँ, अरे यार पीस निकाल लूँ एक बड़ा सा, ताकि मुझे अच्छे से लंबा बनाना को बनाने को आसानी होए। तो गाइस आपको बता देता हूँ कि ग्रूम का मतलब, मैं ये आपको क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ अभी बता देता हूँ, जाने दो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ग्रूम जो था, ग्रूम उसने मतलब जो जब ग्रूम ने, अभी आपको बताया भी था कि ग्रूम ने जब अपने हाथ की मदद से स्टॉर्म ब्रेकर को जो लकड़ी दी, मतलब लकड़ी बोल रहा हूँ, हैंडल दिया, तब मतलब ग्रूम ने उसको वाइट मतलब इस स्टील को उठाया, मेटल नेक को, मुझे मालूम भी नहीं कि वो मेटल का नाम नहीं है क्या, मुझे याद नहीं है क्या है उस मेटल का नाम, पर उस मेटल को उठाया। तो उसके ऊपर वर्दीनेस का भी एंचेंटमेंट नहीं लगा था, पर उस आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ग्रूम इतना पावरफुल है कि वो उसको उठा सके, और या फिर आपको मतलब दो चांसेस देता हूँ, पहली बार है तो दो क्वेश्चन पूछूंगा, क्या होता अगर ग्रूम और रॉकेट की जगह, या फिर ग्रूम की जगह, बस ग्रूम की जगह वहाँ पे कोई और आ जाता हल्के अपना थॉर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर बनाने को, तो क्या होता, हैंडल कैसी लगती यार, मुझे वही मतलब वही सोच में आ वे सोच आ रही है कि क्या होता अगर वहाँ भी ग्रूम नहीं होता। वो आप वो मतलब ये सिर्फ फ्री क्वेश्चन है ऐसे ही, इसका मतलब कोई पॉइंट नहीं है, पर आप बताइएगा, या फिर अगर मेरा मन हुआ है तो मैं बता इसके ऊपर भी शाउट आउट दे सकता हूँ, इसके लिए दोनों का आपको आंसर दे देना है, या फिर एक का भी दे सकते हो, आपको जिसका पता है उसका दे दो, या फिर आप अपना मनगढ़ंत कहानी भी दे सकते हो, क्या ग्रूम के पास इतनी पावर है कि वो थॉर के उस मेटल वाले इसको उठा सके, और दूसरा अगर ग्रूम नहीं आता तो क्या होता। तो अब मैंने स्ट्रिप्स तो बना लिए, अब मतलब दो स्ट्रिप्स मुझे लग रहा है कि बहुत हो जाएंगे, तो अब मैं इसका जो ये है हैंडल बनाऊंगा, तो ये वाला नीचे लगा देता हूँ पतला वाला हिस्सा, ये जाड़ा मोटा वाला हिस्सा ऊपर रखा, ये ज़्यादा कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी ही लग रही है अभी तक, तो मुझे तो कुल्हाड़ी ही लग रही है, जाने दो अभी क्या कर सकते हैं भैया। तो अब मैं भाई इसको कुछ ऐसे लगाऊंगा, ये ग्रूम ने मतलब वो जो ग्रूम का वाइंस लगे थे ना इसके ऊपर, वो वाइंस का जो ये स्टेन्स लगे हैं ये आप देख सकते हो, मैं अभी इसको ना यहाँ पे एकदम टाइटली चिपका देता हूँ, ताकि ये ना क्या हो जाएगा कि टाइट हो जाएंगे, उसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे फ्रिक्शनली। तो अब मैं इसको इतना ये कर रहा हूँ ना, ये देख सकते हो आप, ये भाई साहब असली लग रहा है, नीचे से मैं कर लूँगा बाद में डिटेलिंग, अभी इस साइड से कर लेते हैं हम लोग, तो इस साइड से भी वही टाइम ब्लड स्टाइल अपना स्टाइल लगाएंगे हम लोग, इस साइड से भी अपना स्टाइल आएगा, तो अपने ही स्टाइल से ही मैं अभी इसको यहाँ पे ज्वाइंट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करके, हो मैं बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के लगा रहा हूँ, घूम फिरा के घुमा फिरा के सॉरी उस स्टाइल में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस कितना अलग लग रहा है। ओ सॉरी, ये देखो यहाँ पे जो दब गया वो मेरी तरफ, मेरे पास से हुए गलती से, कुछ नहीं सॉरी सॉरी ले लो भैया गाइस। तो अब मैं इसको जो है, ये तो स्टॉर्म ब्रेकर बड़ी ही जल्दी बन गया यार,
पेड़ काटने की मशीन ज़्यादा लग मतलब पेड़ काटने की चीज़ ज़्यादा लग रही है। तो अब मैं इसको साइड में रखता हूँ 2 सेकंड के लिए। अब हम बनाएंगे थॉर का सेकंड हैमर। यार सही है, सच तो है भाई, थॉर के पास 2 हैमर थी भाई। पहला हैमर हमने मतलब नहीं बनाया अभी तक, तो उसको भी इसी वीडियो में बना देंगे। उसको भी बनाना आसान है, जल्दी बन जाएगा। तो अब मैं पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लूँगा, बक्सा बक्से टाइप में, ये ऐसे कुछ ऐसे। भाई मैंने मतलब एक वीडियो में 2 चीज़ें बता दी आपको, फ्री का ज्ञान ऐसा लग रहा है। फ्री का ज्ञान ले लो, फ्री का ज्ञान। स्टॉर्म ब्रेकर का ज्ञान तो मतलब आपके पास से मिल ही गया होगा आपको मेरी तरफ से। तो अब ये वाला फ्री का ज्ञान है मेरी तरफ से। तो ये बन चुका है गाइस। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँगा, आप देख सकते हो। अब मैं इसको ऐसे करके चारों साइड से लगा कर लूँगा। वो जो देखो उसके ना पॉइंट्स काट दिए थे थॉर ने, नहीं रखे थे मतलब, थॉर बोल रहा हूँ यार, थॉर के पहले जो हेला थी या फिर उसके भैया अपना पापा ओडिस, उन लोग उनने ये किया होगा शायद, मुझे नहीं कुछ मालूम यार। क्योंकि ओडिस का जो मतलब अपना थॉर का जो हैमर था पहला वाला, उसको तो ओडिस ने ही बनाया था। और आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि ओडिस ने जो मतलब थॉर का हैमर बनाया था वो थॉर के लिए नहीं था एक्चुअली, वो था हेला के लिए। आपको मालूम ही होगा हेला उसकी बहन थी। तो एक्चुअली उसको तोड़ने में उसने कैसे यूज़ किया, देखो आपको और एक फैक्ट भी बता देता हूँ मैं, मतलब फैक्ट की बरसात कर रहा हूँ आज। तो वो फैक्ट ये है कि मतलब थॉर का देखो हेला ने जो हैमर लिया था, थॉर का हैमर जब हेला ने पकड़ा था, तब मतलब थॉर ने, आपने देखा भी होगा कि उसने, आप सोच रहे होंगे कि मतलब उसको अटैक करते समय रोका होगा, पर नहीं भाई। आपको एक सीक्रेट बताना है कि वो एक्चुअली हेला ने लिफ्ट किया था, क्योंकि जब उसने हेला ने उसको रोका था तब मतलब इसने थॉर ने वापस से उसको लेने की भी कोशिश, बुलाने की भी कोशिश की, उसने ऐसा ऐसा किया था, पर हेला ने उसको जम के पकड़ा था, इसके लिए वो निकल नहीं पाया उसके चंगुल से। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हुआ कैसे होगा यार। मुझे लग रहा है कि पहले उसके पास था ना हेला के पास थॉर का हैमर, तो मुझे तो लग रहा है कि हेला ने सारे के सारे थॉर के अपना थॉर के जो पहले वाले हैमर के वीकनेस वगैरह मालूम होगा, इसकी वजह से टूट भी गया होगा। और ये देखिएगा गाइस, थॉर का है मरर, दोनों हथियार तैयार, बंदे ही टूट गया। वाह, हाँ अभी फिक्स कर देता हूँ इसको। वो दोनों ही थॉर के वेपन तैयार, डुंग 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 ब्लास्ट करने के लिए। तो आज के हमारे वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।